कोविड-19 को डायग्नोज करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो उस टेस्ट रिपोर्ट की पॉजिटिव के नीचे एक सीटी वैल्यू लिखी होती है। सीटी वैल्यू इज साइकिल थ्रेशोल्ड। सीटी वैल्यू वायरल लोड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना हाई आपका सीटी काउंट आता है उतना वायरल लोड आपके शरीर में कम है। क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा साइकिल जानी पड़ती हैं ताकि आप पॉजिटिव हो। हाई सीटी वैल्यू लो वायरल लोड का इंडिकेशन है। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि सीटी वैल्यू का ज़्यादा ध्यान ना रखें, और उसकी वजह बहुत है। सबसे पहली ये वजह है कि होस्ट और वायरल फैक्टर्स के बीच में होस्ट फैक्टर भी ज़रूरी है और वायरल फैक्टर भी ज़रूरी है। अगर आपके होस्ट फैक्टर में ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, तो आपका होस्ट फैक्टर पुअर होने की वजह से आप कोई बीमारी सीरियसली पकड़ सकती है। सीटी वैल्यूज प्रिडिक्टिव हैं, इतनी एक्यूरेट नहीं है। सीटी वैल्यू आपके टेस्टर के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। अगर टेक्नीशियन ने ठीक तरह से टेस्ट नहीं किया, अगर आप हिल गए या प्रोब जाते समय वो डीपली नहीं गया और प्रॉपर सैंपल कलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी सीटी वैल्यू हाई आएगी, आपका वायरल लोड ज़्यादा हो सकता है। अगर टेस्टर ने ठीक तरह से टेस्ट कर लिया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हुई, तब भी आपकी वैल्यू हाई आ सकती है। जो टेस्ट हम लैब में करते हैं और जो कलेक्शन करके वापस लेके आते हैं, दोनों में डिफरेंस पाए गए हैं। सीटी वैल्यू इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि तरह तरह के किट हैं और ये किट आपस में हम कंपेयर करके सेम सीटी वैल्यू नहीं निकाल सकते। सबकी अपनी अपनी टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं। हमने इतना तक देखा है कि नेजल स्वाब की रीडिंग कभी ज़्यादा होती है, ओरोफेरिंजल स्वाब की रीडिंग कभी कम होती है। कौन सी वाली रीडिंग मानेंगे आप इनमें से? बीमारी के दौरान आपका सीटी वैल्यू चेंज होता है। शुरू शुरू में जब आप माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हो, आपकी सीटी वैल्यू हाई होती है। जैसे बीमारी और प्रोग्रेस करती है, वायरल लोड मल्टीप्लाई करता है और वायरस रेप्लिकेट करता है और आपकी सीटी वैल्यू लो होती जाती है। और एट द एंड ऑफ द डिजीज़, जब आप बीमारी से निकल रहे होते हो, आपकी सीटी वैल्यू फिर हाई हो जाती है। तो एक सिंपल टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि मेरा सीटी वैल्यू हाई है, मैं कम इन्फेक्शस हूँ और मुझे माइल्ड डिजीज़ होगी। ऐसा नहीं होगा। कुछ कंट्रीज़ में सीटी वैल्यू 40 तक भी पेशेंट को पॉजिटिव समझते हैं। इंडिया में, खासकर दिल्ली में जो हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो 30 और 30 से कम हम पॉजिटिव समझते हैं, और अगर 28 है और पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो उसको हम पॉजिटिव समझते हैं। जब सीटी वैल्यू पॉजिटिविटी में ही इतनी वेरिएशन है, तो आपको सीटी वैल्यू की ज़्यादा अहमियत नहीं रखनी चाहिए। आपको डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर फॉलो करना चाहिए। आपको इस डिजीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और जो प्रिकॉशंस हैं वो ड्यूली मेंटेन करनी चाहिए। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.